हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट दीपा और स्वागत है आपका डिकी किचन में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं टमाटर की बहुत ही चटपटी और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चटनी, जो आप रोटी या चावल के साथ खा सकते हो। फ्रेंड्स, ये टमाटर की चटनी आप 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होती। अगर आपके घर में किसी दिन सब्जी नहीं बनती है तो ये टमाटर की चटनी काम आ जाती है। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो इस टमाटर की चटनी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, Never miss an update। यहाँ पे मैंने लिए है बहुत ही फ्रेश टमाटर और इसको मैंने पानी से अच्छे से साफ कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने 4-5 टमाटर लिए हैं। कढ़ाई में मैंने पानी पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर और इसको हम 10 मिनट के लिए पका लेंगे। तो पानी बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसमें हमने टमाटर ऐड कर लिया है, तो इसको अब हम ढक कर रख देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं टमाटर अच्छे से पक चुके हैं, तो गैस को अब हम बंद कर देते हैं और इस टमाटर को बाहर निकाल देते हैं पानी से। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टमाटर अच्छे से पक चुके हैं, तो इसको अब हम पानी से बाहर निकाल कर इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छे से पक चुके हैं। हमने पानी से बाहर निकाल दिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर का छिलका निकल जाता है अच्छे से, तो इसको अब ठंडा करके हम इसका छिलका निकाल देते हैं। तो टमाटर यहाँ पे अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर का छिलका बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो सारे टमाटर के इस तरह से हम छिलके निकाल देते हैं। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो छिलके हैं बहुत आसानी से निकल जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो में, तो इसी तरह हम सारे टमाटर के छिलके निकाल देते हैं। टमाटर के हमने छिलके निकाल दिए हैं और एक कढ़ाई में हमने इसको निकाल कर रख दिया है। तो इस तरह से मैशर से हम इस टमाटर को थोड़ा सा मैश कर लेंगे और फिर हम इसको उबालने के लिए रख देने वाले हैं। टमाटर को हमने अच्छे से मैश कर लिया है और गैस के ऊपर इसको हमने रख दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें बहुत सारा पानी है, तो इसमें से जो पानी है उसको ही हमें रिड्यूस करना है और इसका जो पल्प है सिर्फ हमें पल्प इसका रखना है। तो इस प्रोसेस के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट लगने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर का पल्प हमें मिल गया है और इस प्रोसेस के लिए हमें 15 से 20 मिनट लग चुके हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पल्प हमें चाहिए। अब हमने यहाँ पे कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है, तेल अच्छे से गरम हो चुका है, तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच राई और राई को हम चटकने देंगे। सरसों के दाने यहाँ पे चटकना चालू हो चुके हैं, तो इसी टाइम हम ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको हम तेल में अच्छे से फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पर हमने मीडियम रखा है। अदरक लहसुन का पेस्ट को हमें अच्छे से तेल में भून लेना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि इससे चटनी है चटनी को बहुत ही अच्छा कलर आने वाला है। चाहे तो आप तीखी लाल मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइम मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखा है ताकि जो हमारी लाल मिर्च पाउडर है वो जल ना जाए। तो यहाँ पर मैं 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर यूज़ करने वाली हूँ। आप अपनी पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस लाल मिर्च पाउडर को हम तेल में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखना है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर का पल्प। तो यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर भी तेल में अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो इसमें हमने ऐड कर लिया है टमाटर का पल्प और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे इस तेल में, ताकि इसमें जो लाल मिर्च पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट हमने ऐड किया है वो अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है।
यहाँ पे टमाटर का पल्प इस मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो इसमें हम ऐड करेंगे स्वादानुसार नमक और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें हमने थोड़ा सा तेल ज़्यादा यूज़ किया है, तो जब भी हम अचार बनाते हैं तो उसमें हम थोड़ा सा तेल ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि अचार ज़्यादा दिन तक रह जाए। तो जो तेल है वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है और कोई भी चीज़ ख़राब होने से रोकता है, तो इसलिए हमने तेल यूज़ किया है। तो फ्रेंड इस तरह से हमारी टमाटर की बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटी और टेस्टी चटनी बनकर तैयार है। तो इस चटनी को आप घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपनी फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टमाटर की चटनी का कलर बहुत ही सुंदर आया है। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आज के टमाटर की चटनी की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और ये रेसिपी अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स मिलते किसी ऐसी ही नई रेसिपी में, तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट खाते रहिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।